नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद आज एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का दोबारा सर्वे शुरू करेगी। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी, जिसके बाद आज सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने को छोड़कर सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान 4 महिला वादियों के साथ 4 वकीलों को भी बुलाया गया है। सर्वे टीम में 51 सदस्य मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी के जिला कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश देते हुए कहा कि एएसआई के आश्वासन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ढांचा क्षतिग्रस्त नहीं होगा। लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि सर्वे के लिए किसी तरह की खुदाई नहीं की जानी चाहिए। तो ये बड़ा अपडेट, सुबह 7 बजे से एक बार फिर से सर्वे की शुरुआत होगी। और मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, सुबह 7 बजे से एक बार फिर से सर्वे की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में जो टीम है वो पहुंचेगी या फिर पहुंच चुकी है, क्या तैयारी की गई है? देखिए, यहाँ पर खास तैयारियां की गई हैं। अभी जो सर्वे टीम है वो तो नहीं पहुंची है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आधे घंटे के बाद जो एएसआई की टीम है, जो एक्सपर्ट है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। गेट नंबर 4 से उनकी एंट्री होगी, जो विश्वनाथ जी का कॉरिडोर है उसके गेट नंबर 4 से एंट्री होगी। लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है वो वहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। जो वादी महिलाएं हैं या उनके जो वकील हैं वो देर के बाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे, वो सर्वे टीम का हिस्सा रहेंगे। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक मुस्लिम पक्ष जो है वो इस बार भी सर्वे का बहिष्कार करेगा। जो सर्वे की प्रक्रिया होगी, कार्रवाई अभी 7 बजे से शुरू होगी, उसमें मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं होगा। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो सर्वे की कार्रवाई है वो GPR टेक्निक से, यानी ग्राउंड रडार सिस्टम का जो तकनीक होती है उस तकनीक से जो है वो सर्वे किया जाएगा। इस तकनीक में किसी तरीके की खुदाई नहीं की जाती है और सिर्फ सैंपलिंग करके जो है वो पता लगा लिया जाता है कि जो जमीन के अंदर की जो मूर्ति है, पत्थर है, कोई पाइप है या जो भी चीज है उसकी क्या प्रकृति है, क्या एज है, कितनी समय से वो वहां पर रखी हुई है, तो उस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तकनीक का इस्तेमाल अयोध्या का राम जन्मभूमि में जब सर्वे हुआ था, एएसआई ने सर्वे किया था तो वहां भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब से कुछ देर के बाद ठीक है कुछ देर का इंतजार मोइन, उसके बाद जो सर्वे है उसकी शुरुआत हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो सुबह 7 बजे का उस समय जब एएसआई की टीम सर्वे की शुरुआत करेगी, और जैसा कि मोइन जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ आधे घंटे का समय है जब जो टीम है वो पहुंच सकती है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।